स्वर कोकिला लता मंगेशकर का कल 52 साल की उम्र में निधन हो गया, जिससे पूरी दो देश में शोक की लहर दौड़ गई। राजनेता से लेकर कई बड़े सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। वहीं अब हेमा मालिनी ने भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी है। हेमा मालिनी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 6 फरवरी हम सभी के लिए काला दिन रहा, एक लेजेंडरी जिन्होंने हमें इतने साल शानदार गाने दिए, अब वो स्वर्ग में जाकर अपनी मधुर आवाज़ सुनाने वाली हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे, जब भी मौका मिलता था हम जरूर मिलते थे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उनका चले जाना बेहद दुखद है। आपको बता दें कि रविवार शाम 7:15 पर लता मंगेशकर का शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया गया। लता मंगेशकर के परिवार और दोस्तों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। वहीं लता मंगेशकर के जो भतीजे हैं आदित्यनाथ मंगेशकर, वो भी वहाँ पर दिखाई दिए, लेकिन उनके जो भाई हैं हृदयनाथ मंगेशकर ने उन्हें मुखाग्नि दी। बॉलीवुड में अपनी आवाज़ का जादू चलाने वाली सिंगर लता मंगेशकर पिछले दिनों से बहुत बीमार थी। ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। इसके बाद उनकी टेस्टिंग, उनकी रिपोर्ट हमेशा सामने आती थी। डॉक्टरों ने उनके बचाने की पूरी कोशिश की, बीच में उनकी हालत में सुधार भी हुआ, लेकिन फिर अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण लता मंगेशकर हम सबको छोड़कर चली गई। जी हाँ, तो इस बात का हर किसी को दुख है। कहीं ना कहीं हेमा मालिनी भी इस बात से दुखी है कि लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। इसी वजह से हेमा मालिनी ने यह दर्द भरा पोस्ट किया है जो हमारे सामने आया है, जिसमें वो लता मंगेशकर के बारे में बात कर रही हैं। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।